टेली मसाला के खास सेगमेंट घर घर में आज हम आ पहुंचे हैं आपके फेवरेट यानी सबके प्यारे कुंवर प्रताप छोटे प्रताप के घर यानी कि फैजल खान के घर। चलिए आइए मिलते हैं फैजल से। हेलो हेलो फैजल, हाउ आर यू? क्या चल रहा है लाइफ में पहले तो ये बताओ। फिलहाल तो घर पे आया हूँ, मस्ती चल रही है, एग्जाम्स खत्म हो गए। तो चलो हमने सोचा कि आपके फैंस और टेली मसाला के जो फैंस है उन साथ में मस्ती करने के लिए आज हम आए हैं आपके घर पे। फैंस में और हमारी मस्ती में थोड़ा मसाला डालने के लिए टेली मसाला में। ये मेरा एक छोटा सा घर है जो कि बहुत मेहनत से सबकी मेहनत से लिया गया है। यहाँ पर ये हॉल है हमारा छोटा सा, जिसमें जो ये सारी डिज़ाइन है, जो जैसे क्या रखना है, कहाँ रखना है, ये सब हमने खुद ही से डिसाइड किया है। और ये झूमर मुझे काफ़ी पसंद है। बस ये यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, पूरा सनराइज़ देख सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पर पिजन बैठा है हर बार, बहुत अच्छा लगता है थोड़ा ऊंचा रहना, मतलब ऐसे ऊंची बिल्डिंग में रहना। मेरी टीवी और मेरा साउंड सिस्टम। ये टीवी है जो कि फ्लैट टीवी जब निकली, आजकल क्या हो गया, पहले टीवी बड़ी होती थी, इंसान पतले होते थे, आज इंसान मोटे हो गए और टीवी पतली हो गई। फ्लैट टीवी बहुत ही अच्छी है, कभी मेरे पास नहीं थी, लेकिन ऐसा ये था कि फ्लैट टीवी लेना लेना लेना, क्योंकि वो दीवार पे फिट होती थी, कैसे फिट होती थी वो ही सोचते रहते थे। और ये साउंड सिस्टम है जो कि बहुत ही अच्छा बजता है। आज तक तो इसने कभी हमारे साथ में कोई चीज़ के लिए ज़िद नहीं की, ना ही कुछ मांगा। मतलब बचपन में तो हर बच्चे वो तो रहते ही है, क्या बोलते हैं उसे, ज़िद्दी रहते ही है, लेकिन वैसे किस्म का ये नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ के लिए कभी कोई ज़िद नहीं की, कभी कोई मांग नहीं की उसने। हाँ, एक बार एक मांग की थी, वो भी उसे चाहिए था आईपैड। हाँ, आईपैड की मांग की थी मैंने, जो कि बहुत महंगा था उस टाइम पर, तो आईपैड की मांग की थी। वो थोड़ा ज़िद था, लेकिन वो अच्छा है कि मेरे पैसे वसूल हो गए। 2012 में लिया था, अब तक चल रहा है वो। बस मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा ऐसा ही रहे, अपने माँ बाप से ज़्यादा ज़िद ना करे, उनकी बात सुने और उनके कहने पर चले। मेरी मम्मा यहाँ पर है, बेडरूम में थी मम्मा। मम्मी ये जानना चाहते हैं कि मैं ज़िद्दी हूँ या कैसा हूँ। ज़िद्दी नहीं है मैं, बिल्कुल नहीं। एक बार ज़िद की थी बस वो आईपैड के लिए, मम्मी भी जानते हैं, लेकिन आईपैड अभी भी चल रहा है, मम्मी भी उस पर कैंडी क्रश खेलते हैं। मम्मी कैसा लगा अपना घर? बहुत प्यारा, स्वर्ग जैसा। कितना अच्छा लगता है आपका बेटा अब इतना धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है, मतलब आज आपके आपसे भी लंबा हो गया है और इतनी तरक्की कर रहा है, कैसा फीलिंग होती है, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग मम्मी के घर में ही रहती थी मैं। आप मम्मी का कहना है कि जब हम लोग मम्मी मतलब मेरी नानी के घर रहते थे बहुत सालों से, भाड़े से भी डिपॉजिट भी नहीं जमा कर पा रही थी, और आज मेरे बेटे ने। मम्मी मैं एक जरिया हूँ ऊपर वाले का करना, तो इंशाल्लाह और हम घर लेंगे और तरक्की करेंगे। बस आप लोग, आपकी दुआ चाहिए, पापा की दुआ चाहिए। मेरी दुआ तो हमेशा मेरे बच्चे के साथ है। ये जब पापा की ऑटो में ली थी मेरी फ़ोटो, जब मैं बैठता भी नहीं था, तो ऑटो में लिया था ना मम्मी, ऑटो में टेका लगा के निकाला था। फिर ये जब मैं साउथ अफ्रीका गया था, तो वहाँ पर मैंने ये इसलिए फ़ोटो खींची थी क्योंकि मर्सिडीज टैक्सी थी वहाँ पर। और ये फ़ोटो जब मैं DID फिनाले के टाइम पर, जब सयाजी होटल में हम ठहरे थे, तो वहाँ का ये बैकग्राउंड और ये सब बहुत अच्छा लगा था, पापा ने खींची ये फ़ोटो। ये फ़ोटो जब मैं DID के थ्रू जब कहीं मैं जाता था इसके लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, तब ये की एक फ़ोटो है, पापा ने खींची है। फिर ये एक फ़ोटो जब हम लोग ने DKT डांस का सेशन
वो जीता था, तो उसकी एक ट्रॉफी। और ये जब मैं हाँ ये लास्ट में मैं ही हूँ फैसल। हाँ ये जो रूम का इंटीरियर है ये हमने कराया है, मतलब हमारा खुद का कॉन्सेप्ट था, हमारे पूरे फैमिली ने मिलके ये कलर ये डिज़ाइन ये सब चूज़ किया। मुझे लाइट्स का बहुत अच्छा लगता है। डीआईडी के बाद में थोड़ा लाइट का हल्का हल्का सेंस हुआ कि कहाँ लाइट कैसी कैसी होनी चाहिए। घर अच्छा लगता है लाइट के ऊपर ही, क्योंकि लाइट अगर अच्छी होगी हमारी तो घर भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लाइट की है, लाइटिंग की है। आज मैं टली मसाला के व्यूज़ को बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि ये मेरे अचीवमेंट्स है। मैं चाहता हूँ कि आगे और मैं ट्रॉफीज इकट्ठे करूँ, लाइक शाहरुख खान ने 500 प्लस की है, तो मैं भी करूँ थोड़ी बहुत। और ये सबसे पहली ट्रॉफी मेरी ये, जो कि मैं अपना हमारे पास के इलाके में डांस कॉम्पिटिशन के लिए गया था, जहाँ पर मैं सेकेंड या थर्ड आया था। तो ये सबसे पहली ट्रॉफी मेरी के मतलब वाओ मैं जीत गया ऐसा लग रहा था। नटराज जी की मूर्ति है, कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है अगर नटराज जी की मूर्ति गिफ्ट में आए, मेरे गुरु श्रीकांत सर ने कहा है मुझे। और ये मुझे गिफ्ट दिया है आंटी ने, ये डीआईडी की ट्रॉफी मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी। इसके बाद लायंस गोल्ड अवार्ड 2014 में मिले थे, फिर 2015 में लायंस गोल्ड अवार्ड। ओके ये लायंस गोल्ड अवार्ड, इन्हें मैं जल्दी हाथ भी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सालों साल मेरे साथ ऐसी रहे, चमकती रहे। मम्मी चमकाती है और मैं इसे रखता हूँ, हमेशा लाता रहो। मम्मी का एक सपना है, मेरा सपना है, सबका सपना है कि पूरा घर ट्रॉफी से भरे। हम चाहते हैं कि पूरा एक घर ले ट्रॉफी के लिए। ये आईटा अवार्ड, आईटा फेवरेट चाइल्ड आर्टिस्ट में मिला था मुझे ये अवार्ड आईटा, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। डीआईडी के बाद मुझे ये पहली अवार्ड शो में, कहते हैं ना कि अवार्ड शो में जाने के बाद ट्रॉफी मिलती है, तो ये जी रिश्ते की ट्रॉफी मिली थी। संभाल के कुछ होना नहीं चाहिए इसे, शुक्र। और ये शायद दिल्ली अवार्ड्स की, इंडियन दिल्ली अवार्ड्स। और ये NBC, ये मेरे चाहने वालों ने दिया है मुझे, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और फिर एक बार मैं कोटा गया था, जब मुझे एक चीज़ दी थी एक आंटी ने, तो उन्होंने कहा था कि जब भी आप इसे खोलोगे तो आप हमेशा हंसते रहोगे, मतलब जब भी आप इसको देखोगे तो खुशी होगी। मैं कह रहा था इसे देख के क्या, अभी कहाँ इसे देख के। मतलब कोई भी इसे देख के हंसेगा, एक स्माइल तो ज़रूर आएगी उसके चेहरे पे। मैं ऐसे कभी कभार जब ऐसे बैठा रहता हूँ तो थोड़ा बहुत देख के मस्त याद आ जाता है मुझे। ये सचिन तेंदुलकर जी ने, जो भगवान माने जाते हैं क्रिकेट के, उन्होंने मुझे इस पर साइन करके दी थी, मैंने उस पर उनके सामने डांस किया था, तो उनकी सिग्नेचर है इस पर। उन्होंने मेरे साथ छोटा सा एक खेला था क्रिकेट, एक शॉट, और उन्होंने बैट पे साइन करके दी थी मुझे और रोहन को, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था। और ये जो बहुत ही कीमती है, जब हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे तो वहाँ के एक बहुत ही बड़े इंसान ने हमें ये दी थी, गिफ्ट की थी। इसे उठाना बहुत हैवी है, वो पूरी टोटल ब्रास की बनी हुई है और हैंडमेड है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये जब मैं DID में टॉप 10 में आया था तब मुझे ये पट्टा दिया गया था। जब मैं DID टॉप 18 में आया था, टॉप 16 तब मुझे ये सुपर विंग्स मिले थे, जब छोटा था अब काफ़ी मैं, अभी ये छोटा लग रहा है मतलब साइज में। ऐसे हम ऐसे पहन के ऐसे उड़ना पड़ता था, ऐसे साइज मारते थे। ये बहुत, इसे पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मैं बस अभी जैसे ही DID वापस आए, आप भी जाइए और डांस कीजिए उसमें और ये पाइए, बहुत खुशी होती है इसे पाने के बाद। बस ऐसी छोटी सी चीज़ है मेरे घर में, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी शायद। आज तक मेरी ट्रॉफीज किसी ने देखी नहीं थी, मैं इसे संभाल कर रखता था, आज मैंने दिखाया आपको। कैसी लगी आप मुझे सोशल मीडियाज़ के थ्रू बता दीजिएगा कैसा लगा आपको।
इन्फॉर्मेशन सभी की जानने के लिए आप टेली मसाला से जुड़े रहिए और देखते रहिए टेली मसाला, क्योंकि इसमें बहुत मसाला है।